सो हेलो की सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखकर इजीली समझ गए होंगे जी हाँ कि सर, काफ़ी सर्वेलों का काफ़ी दिनों से इंतजार था कि स्टूडियो मास्टर की तरफ से कुछ हमें नया धमाका देखने को मिले। तो फाइनली की सर, स्टूडियो मास्टर ने एक नहीं दो नया धमाका किया है, जो कि सर दो क्लास टी का एम्पलीफायर न्यू लॉन्च कर दिया है, जो कि सर इस वीडियो में मैं इन दोनों ही एम्पलीफायर के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जो कि सर एक जो एम्पलीफायर है दो चैनल का है, और सर एक जो एम्पलीफायर है चार चैनल का है। तो सर दोनों ही एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो कहीं सर दोनों ही एम्पलीफायर के में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि दोनों एम्पलीफायर कैसा होने वाला है, साथ ही हम एक एम्पलीफायर पर हम कितने वाटेज का लोड डालेंगे, यानी डुअल चैनल का जो एम्पलीफायर है उस पर हम कितने वाटेज का बेस चला सकते हैं, और फोर चैनल का जो एम्पलीफायर है उस पर हम कितने वाटेज का बेस चला सकते हैं, डुअल चैनल का एम्पलीफायर का कितना प्राइस होने वाला है, और फोर चैनल का जो एम्पलीफायर है उसका कितना प्राइस होने वाला है, दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेटर रहेगा, और कैसे इस पर हम कनेक्शन करके कितना बेस चला सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो सर, अगर आप लोग एक चार चैनल का या डुअल चैनल का एम्पलीफायर क्लास डी से लेना चाहते हैं, जो कि स्टूडियो मास्टर की तरफ से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि सर इस वीडियो में स्टूडियो मास्टर का एक नहीं दो एम्पलीफायर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि दोनों ही एम्पलीफायर स्टूडियो मास्टर ने अभी फिलहाल ही में लंच किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएसटीजे ब्लॉग नंबर वन में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग के मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कि सर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टूडियो मास्टर के न्यू लॉन्चिंग डुअल चैनल के पावर एम्पलीफायर के बारे में, और स्टूडियो मास्टर के न्यू लॉन्चिंग फोर चैनल के पावर एम्पलीफायर के बारे में। तो कि सर दोनों ही एम्पलीफायर काफी ज्यादा बेस्ट है। तो कि सर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर के न्यू लॉन्चिंग डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर DA92 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर है। अगर हम इसके फ्रंट पैनल के बारे में बात करेंगे तो इसका जो फ्रंट पैनल है कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके फ्रंट पैनल पे स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का लोगो देखने को मिलेगा। साथ ही सर यहाँ पर इसका मॉडल नंबर DA92 यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही सर जो एम्पलीफायर है क्लास डी का है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके नीचे आप लोगों को एक स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होता है। साथ ही सर बीच में आप लोगों को दो वॉल्यूम गेन देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल ए और चैनल बी के लिए, यानी ये जो एम्पलीफायर है डुअल चैनल का है। और यहाँ पर आप लोगों को फॉल्ट के लिए, क्लिप के लिए, और सर ओवरलोड के लिए और सिग्नल के लिए सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेट मेंशन किया गया, जो कि यह एक प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर है। इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप लोगों को दो ग्रिल जाली देखने को मिल जाएगा, जो कि एयर वेंटिलेशन के लिए होता है, ताकि एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक भी चले तो इसके अंदर कोई भी आप लोगों को हीटिंग प्रोटेक्शन का चांस देखने को न मिले। साथ ही सर इस एम्पलीफायर के अगर हम बैक पैनल के बारे में बात करेंगे तो इसका बैक पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके बैक पैनल पर भी आप लोगों को स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का ब्रांडिंग और इसका लोगो मेंशन किया गया। साथ ही सर इसका मॉडल नंबर DA92 यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को इनपुट के लिए यहाँ पर चैनल 1 और चैनल 2 का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जो कि XLR का मेल और फीमेल का यूज करके आप लोग इजीली इस वाले एम्पलीफायर से इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विच केबल देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंसिटिविटी सिलेक्ट के लिए होता है। इस वाले एम्पलीफायर के अंदर आप लोगों को टोटल 3 फैन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सर आउटपुट के लिए स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप लोगों को चैनल 1 और चैनल 2 का यहाँ पर दो आउटपुट मिल जाता है। और सर इस वाले एम्पलीफायर के अंदर पावर देने के लिए पावर कोड का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली वायर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, इसके अंदर पावर केबल लगाइएगा तभी सर इस वाले एम्पलीफायर के अंदर पावर जाएगा। साथ ही सर इस वाले एम्पलीफायर का ओरिजिनलिटी के पहचान के लिए यहाँ पर आप लोगों को बार कोड देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग ओरिजिनलिटी का पहचान कर सकते हैं इस वाले एम्पलीफायर को स्कैन करके। चलिए सर हम बात कर लेते हैं स्टूडियो मास्टर के जो न्यू लॉन्चिंग फोर चैनल का पावर एम्पलीफायर है। तो सर इस वाले एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है आप लोगों को DA94 देखने को मिल जाएगा, जो कि सर इस वाले एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल कुछ आप लोगों को स्टेप से देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पैनल पे स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का ब्रांडिंग और इसका लोगो मेंशन किया गया। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को DA94 यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया। साथ ही सर इसका जो क्लास डी का एम्पलीफायर है, जो कि यहाँ पर भी मेंशन किया गया, इसके अंदर भी एक स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि पावर ऑन ऑफ करने के लिए होता है। बढ़ गई सर इस वाले एम्पलीफायर में आप लोगों को बीच में 4 वॉल्यूम गेन देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी और चैनल डी का 4 वॉल्यूम गेन दिया गया। चारों के लिए अलग अलग यहाँ पर आप लोगों को सिग्नल के लिए लाइट इंडिकेट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही सर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यहाँ पर भी ग्रिल जारी देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस वाले एम्पलीफायर के बैक पैनल के बारे में, इसका भी बैक पैनल कुछ आप लोगों को स्टेप से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आप
लोगों को स्टूडियो मास्टर का ब्रांडिंग साथ ही सर इसका मॉडल नंबर DA94 मेंशन किया गया। इसके अंदर आप लोगों को चार इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि यह एक चार चैनल का मिलफायर है, तो चार इनपुट और आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि XLR का मेल फीमेल का इजिली इनपुट करके आप लोग आउटपुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके अंदर सेंसिटिविटी का दो स्विच देखने को मिलेगा क्योंकि यह चार चैनल का है, तो इसलिए आप लोगों को दो स्विच मिलेगा। तो यहाँ पर चैनल ए और चैनल बी के लिए ये वाला स्विच हो जाएगा और चैनल सी और चैनल डी के लिए ये वाला स्विच हो जाएगा। बट भी सर इस फायर के अंदर भी आप लोगों को तीन फैन ही देखने को मिलेगा जो कि तीन फैन काफी ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि इस वाले फायर को कूलिंग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर आप लोगों को आउटपुट के लिए चार ऑप्शन मिल जाता है जो कि चार चैनल का है, तो आउटपुट भी चार देगा जो कि चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी और चैनल डी का अलग अलग स्पीकर का यूज करके चार आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को पावर केबल लगाना होगा तभी इसके अंदर पावर जाएगा। यहाँ पर भी ओरिजिनलिटी के पहचान के लिए यहाँ पर QR कोड दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दोनों ही एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल और बैक पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि स्टूडियो मास्टर काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का और प्रीमियम क्वालिटी में यहाँ पर न्यू एम्पलीफायर लॉन्च किया है। चलिए कि सर हम बात कर लेते हैं दोनों ही एम्पलीफायर के पावर स्पीकेशन और टेक्निकल डिटेल के बारे में कि कौन सा एम्पलीफायर का हमें कितना पावर देखने को मिल रहा है। तो भी सर सबसे पहले हम बात करेंगे डुअल चैनल के एम्पलीफायर के बारे में जिसका मॉडल नंबर DA92 देखने को मिल रहा है। अगर हम इस वाले एम्पलीफायर के पावर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पावर है फोर ओम पे पर चैनल पे 4600 वाट देखने को मिल जाएगा और सर 8 ओम पे पर चैनल पे 2300 वाट देखने को मिल जाएगा जो कि सर इस वाले एम्पलीफायर का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा दे रहा हूं जो कि और भी इसका टेक्निकल डिटेल आप लोग इजिली इस वाले वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को इसका सेंसिटिविटी यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही सर इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा और कि सर इस वाले एम्पलीफायर का और भी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही सर इस वाले एम्पलीफायर को पावर सप्लाई चलाने के लिए 240 वोल्ट तक देना होगा तभी यह वर्क करेगा। और सर इस वाले एम्पलीफायर का मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वेट जो कि सर काफी ज्यादा लाइट वेट है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर मेंशन की है कि 8 kg 900 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो सर ये डुअल चैनल का क्लास डी का एम्पलीफायर है जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट में मिल रहा है तो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर है। चलिए अभी सर हम बात कर लेते हैं जो स्टूडियो मास्टर के 4 चैनल का पावर है उसका टेक्निकल डिटेल हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो सर यहाँ पर इस वाले एम्पलीफायर का जो मॉडल नंबर है DA94 देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पावर है 4 ओम पर चैनल पे 2600 वाट देखने को मिल जाएगा जो कि ये 4 चैनल का एम्पलीफायर है, तो चारों चैनल पे 2600 वाट पर चैनल पे 4 ओम पे निकाल कर दे देगा। अगर हम इसके 8 ओम के बारे में बात करेंगे तो 8 ओम पर चैनल पे 1300 वाट निकाल कर दे देगा। बाकी सर और भी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं जो कि यहाँ पर सारा कुछ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसी की तरह देखने को मिल जाएगा और भी डिटेल यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं जो कि सेंसिटिविटी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका भी पावर सप्लाई 240 वोल्ट से इजीली ऑपरेट होगा जो कि कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका जो वेट है आप लोगों को 8 kg 900 ग्राम देखने को मिल जाएगा। तो सर दोनों ही एम्पलीफायर का जो वेट है कंपनी ने सेम रखी है जो कि वो डुअल चैनल का है, उसका भी वेट आप लोगों को 8 kg 900 ग्राम ही देखने को मिलेगा और सर जो 4 चैनल का एम्पलीफायर है इसका जो वेट है 8 kg 900 ग्राम ही देखने को मिलेगा। तो सर काफी सर वेलो का स्टूडियो मास्टर से इंतजार था कि स्टूडियो मास्टर का एक ऐसा प्रोफेशनल एम्पलीफायर है जो कि लाइट वेट हो और क्लास डी का हो, तो फाइनली सर स्टूडियो मास्टर ने यहाँ पर 2 एम्पलीफायर लॉन्च कर दिया जो कि एक डुअल चैनल का है और एक 4 चैनल का है जो कि सर दोनों एम्पलीफायर आप लोगों को सेम वाटेज में देखने को मिलेगा। चलिए सर हम बात कर लेते हैं कि दोनों एम्पलीफायर पर हम कितने वाटेज तक का लोड डाल सकते हैं और दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा एम्पलीफायर में लेना चाहिए। तो सर यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों के लिए डुअल चैनल का एम्पलीफायर चाहिए तो फिर आप लोग डुअल चैनल का ले सकते हैं जो कि दोनों एम्पलीफायर सेम वाटेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एक है 4 चैनल का और एक है डुअल चैनल का। डुअल बेस रखे हैं या 4500 वाटेज का तो आप लोग इजिली एक चैनल पे एक एक डुअल बेस चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 4 स्पीकर चल जाएगा 2200 या 2300 वाटेज के, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इस पे 8 ओम पे चलाना चाहते हैं तो 8 ओम पे 2300 वाटेज दे रहा है, 2000 वाटेज तक का स्पीकर एक एक स्पीकर चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा एम्पलीफायर ले जो कि एक ही एम्पलीफायर पे 2600 वाटेज के 4 हम डुअल बेस चला पाए तो फिर सर आप लोग 4 चैनल का एम्पलीफायर लीजिए जो कि इसका पावर जो है 4 ओम पे 2600 वाटेज दे रहा है, तो एक एक चैनल पे एक एक डुअल बेस इजिली चला लेंगे। या कि सर आप लोग चाहते हैं कि इस पे हम यहाँ पर 8 स्पीकर चलाए तो फिर सर आप लोग इसे भी ले सकते हैं जो कि सिंगल बेस इस पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जो कि सर ये एम्पलीफायर केवल बेस चलाने के लिए बनाया गया है जो कि 2 ओम रिकमेंड नहीं है। बहुत सारे भाई लोग इसे 2 ओम पे चलाएंगे तो यहाँ पर एम्पलीफायर खराब हो जाएगा क्योंकि सर ये जो है 4 ओम और 8 ओम पर ऑपरेट होगा, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये जो एम्पलीफायर है कंपनी इसलिए बनाई है केवल इस पे आप लोग हेवी से हेवी वाटेज का बेस स्पीकर चलाएंगे तो काफी ज्यादा परफेक्ट आप लोगों को इसका साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग के मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।